पे अगर आप 400 नहीं करेंगे तो आप डिफरेंस नहीं डाल सकते, और वहीं पे फर्क पड़ गया क्योंकि लीड लेने के बजाय लीड 50-60 की कंसीड कर दी और पीछे चले गए। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट की फॉर्म में है वो फिर माफ, जिस तरह पिछली इनिंग्स के अंदर आउट हुए उसी तरीके से किल्लियां बाबर की उड़ी हैं। 41 रन के ऊपर 76 बॉल्स खेल चुके हुए थे, सेट खड़े थे, फिर भी आउट होके चले गए। उनसे रात को कहना यार ये क्या हो रहा है, तो ये बड़े बड़े प्लेयरों के साथ कभी कभार हो जाता है। कोहली का आपने अभी जिक्र किया था ना, वो कोहली को भी जब कप्तानी से हटाया था वो भी एक रफ पैच आया था। एक रफ पैच आया था, तो मुझे यही फील आ रहा है कि मतलब एक बाबर वो प्लेयर नहीं है कि जो इतना बड़ा गेट बना दे कि गेंद देना इन स्विंगर जो भी हो या ऑफ स्पिन कह लें। सुना है पड़ोसी टेस्ट मैच वाला सीरीज हार गए। मैं बोलूं क्या भाई, यह पाकिस्तानी आज नजर नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा। पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता टेस्ट। लाहौल वाला कूद, ये कितनी शर्म की बात है कि भाई आप किसी अगले देश को धमकियां देते हो ट्रोल। एक और बुरी हार, वही नतीजा, वही कहानी, वही सब कुछ यार, कि आप अच्छा खेल रहे हो, जीतने की तरफ जा रहे हो और सडन आप कोलैप्स कर रहे हो, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आप अपने आप को वर्ल्ड क्लास कहते हो, बब्जी द किंग कहते हो, तो फिर आपसे फिनिश क्यों नहीं हो पा रहा भाई जान, 50 नहीं हो पा रही आपसे, आप अपने आप को शान मसूद द इंग्लिश स्पीकर कहते हो तो आपसे जितवाने क्यों नहीं, आप हनीमून वाले मामोलाक, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, किताबी प्लेयर अब्दुल्ला की क्या परफॉर्मेंस है यार, दुख इस बात को होता है आप बुरी तरह। दोस्तों, पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया है। पाक मीडिया मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद काफी गुस्से में है, आप वीडियो देखें। हाथ से निकल गया मैच, कहां कहां पे हाथ से निकला, चले एनालाइज करते हैं। पहली इनिंग्स में रन जो है वो ज्यादा पाकिस्तान को करने चाहिए थे क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी की कि लिमिट किया ऑस्ट्रेलिया को 300 के ऊपर एक अच्छी बैटिंग कंडीशंस पे। उसके बाद आजकल टेस्ट क्रिकेट में 300 पे अगर आप 400 नहीं करेंगे तो आप डिफरेंस नहीं डाल सकते, और वहीं पे फर्क पड़ गया क्योंकि लीड लेने के बजाय लीड 50-60 की कंसीड कर दी और पीछे चले गए। और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट की फॉर्म में है वो फिर माफी नहीं देते हैं आपको। अब्दुल्ला शफीक का जो कैच था वो क्रिटिकल था, वो शायद प्रॉब्ली टर्निंग मोमेंट था ऑफ द टेस्ट मैच फॉर पाकिस्तान, क्योंकि 4 विकेट 16 रन पे सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियंस लुढ़क रहे थे, वहां पे मिच मार्श जिन्होंने 95 कर दिया, 20 रन पे अगर वो कैच आउट हो जाते तो फिर ये जो 300 का स्कोर करना था या 325 का, वो पाकिस्तान को 250 करने पड़ जाते और फिर वो बहुत आसान होता है रन चेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब्दुल्ला शफीक को अपनी फील्डिंग इंप्रूव करनी है क्योंकि कैचेस मुतवातर वो छोड़ रहे हैं, और कैसे ठीक करेंगे, प्रैक्टिस। फील्डिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आप ज्यादा करेंगे कैचेस, ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, इसके लिए कोई ज्यादा टेक्निक की जरूरत नहीं है, ये मेहनत तलब एक एक्सरसाइज है और इनको ये करनी पड़ेगी अगर इन्होंने अपना करियर को आगे लेके जाना है, क्योंकि इस तरह के अगर सिटल्स वो छोड़ेंगे तो फिर टीम का भी नुकसान होगा, अपना भी कॉन्फिडेंस इनका लो होगा। और दिखा वो जैसे बैटिंग की उन्होंने, क्योंकि उनके जेन में वो ड्रॉप कैच कहीं ना कहीं चल रहा होगा और ये आपको ले बैठती है इस तरह के मोमेंट्स। उसके बाद जो है रन चेस की तरफ आते हैं, रन चेस देखिए 300 स्कोर, जैसे मैंने कहा कोई 150 करने की जरूरत नहीं थी एक बल्लेबाज को, 50-50 की 3-4 इनिंग्स खेल लेते, पार्टनरशिप लगती, टेम्परमेंट स्ट्रॉन्ग होता तो पाकिस्तान ये मैच जीत गया था, और लग रहा था कि गामजन था विक्ट्री की तरफ क्योंकि बाबर आजम अच्छे दिख रहे थे, वो गलत टाइम पे आउट हुए, प्रॉब्लम है इन स्विंगिंग बॉल पे उनको सडनली हो गया, फुटवर्क उनका और बेहतर होने वाला है, पूरी तरह से बॉल की पहुंचना है पिच तक पहुंचना है तभी वो ये गैप बन रहा है, क्योंकि क्रीज से खेल रहे हैं और थोड़ा से एंगल बैट के साथ खेल रहे हैं, दोनों एजेस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप डिटरमिन हो जाए ना कि मुझे इन स्विंग ही तंग करता है लेग बॉल तो मैं अंदर की तरफ खेलूंगा तो बाहर का बॉल बीट हो जाएगा, तो आई थिंक ये भी स्ट्रेटजी वो अपना सकते हैं। शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स की, इनफैक्ट उनकी कप्तानी भी बहुत अच्छी थी दोनों इनिंग्स में, उन्होंने बैटिंग भी बहुत अच्छी की। इसी तरह से सलमान अली आगा ने टेम्परमेंटली एक सॉलिड हैंड खेला, मगर टेल की जरूरत थी और टेल एंडर्स बिल्कुल ढेर हो गए सेकेंड इनिंग्स में, और टेल को जिस तरह से पहले इनिंग्स में फाइट बैक दिखी उनको इसी तरह से खेलते रहना है,
बॉल से डरना नहीं है, क्योंकि बॉल को देखेंगे अगर नहीं तो फिर बॉल आपको हिट भी करेगा और आप आउट भी हो जाएंगे। तो ये जो मामला था ये बहुत बेहतर हो सकता था पाकिस्तान के लिए अगर ये मोमेंट्स अपने काबू में रखते। अच्छा, अच्छी चीजें क्या हुई? अच्छी चीजें, सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, रिजवान को खिलाना एक बहुत ही अच्छा एग्रेसिव अमल था, क्योंकि सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि कंडीशंस के हिसाब से उनका नंबर जो है वो सरफराज से पहले आता है, और उन्होंने प्रूव किया, अनलकी रहे, आउट हो गए, गलत मोमेंट पे आउट हुए वो। हुआ है सोशल मीडिया पे सुना है पड़ोसी टेस्ट मैच वाला सीरीज हार गए मैं बोलूं के भाई यह पाकिस्तानी आज नजर नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा पिछले 80 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीता टेस्ट लाहौल वाला कूद, ये कितनी शर्म की बात है कि भाई आप किसी अगले देश को धमकियां देते हो, ट्रोल करते हो एक ऐसे देश का नाम लेकर जिसे 80 साल से तुम हरा नहीं पाए मैं यकीन के साथ कहता हूं कि भाई ये पाकिस्तान अपनी जिंदगी में कभी भी ये कंगारियों से नहीं जीत पाएगा। और एक बात तो बिल्कुल हकीकत थी कि ये इनको ट्रक में लेके गए थे और वहां से भी ट्रक में लेके ही आएंगे और आज तो बाबर आजम ने जो है थोड़ी सी मेहनत कर ली भाई, 41 रन बना लिए भाई, आज पता नहीं सूरज कहां कैसे किल्लियां बाबर की उड़ी हैं, 41 रन के ऊपर 76 बॉल्स खेल चुके हुए थे, सेट खड़े थे फिर भी आउट होके चले गए। बाबर से ये वाला बॉल खेला ही नहीं जा रहा, यही नहीं पैट कमिंग्स ने जो टी से पहले वाला ओवर किया उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो बाबर आजम से यहां वाले एंगल से बॉल खेला जा ही नहीं रहा था, बार बार उसकी टांग पे लग रहा था, और इस दफा तो हेजलवुड आए और उन्होंने आउट कर दिया। इतनी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बाबर आजम के पास थी, आज करना क्या था, 70-80 रन ही करने से ना, 40 तो कर दिए हुए थे। बाबर का बल्ला पहुंच ही नहीं पाता बॉल तक और बॉल विकेट को लग जाता है, क्या जिसको कहते हैं ना बॉलिंग ओड़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ बाबर की गलती है, माना कि बॉल अच्छा था बट बाबर की गलती है। बाबर पिछले मैच में भी ज्यादा गैप से आउट हुआ था, इस दफा ज्यादा गैप नहीं था वैसे आउट हो गया। इतना बड़ा गोल्डन चांस बाबर आजम के पास था ना, आज पाकिस्तान ने हिस्ट्री बना देनी थी, पाकिस्तान मेलबर्न के अंदर टेस्ट मैच जीतने की तरफ जा रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, पाकिस्तान की जो पोजीशन है बड़ी खतरनाक हो गई है, 146 के ऊपर 4 आउट हो चुके हैं पाकिस्तान के, यहां से तो लग रहा है हम आज के आज मैच ही हार जाएंगे। 146 पे पाकिस्तान के 4 आउट हो गए हैं, 319 का टारगेट पाकिस्तान के पास है, अभी भी 160 प्लस रन रहते हैं, ये कैसे होंगे? पीछे बैटिंग क्या है, साउथ शकील और रिजवान और सलमान अली आगा, और क्या बैटिंग हमारे पास है, किसी एक को तो सेंचुरी मारनी थी, किसी एक को तो लंबा खेलना था, लेकिन कोई नहीं खेल के गया। साउथ शकील अभी खेल रहे हैं, शान मसूद ने ब्रिलियंट किस्म का 50 किया जैसे पिछली इनिंग्स में किया था, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। बात सिंपल सी ये आ रही है कि आज बाबर के पास एक बहुत बड़ा मौका था, हमने मेलबर्न के अंदर टेस्ट मैच जीत जाना था यार, बाबर थोड़ा सा तो देख लेते, क्यों सीधे बल्ले से बाबर खेल रहा है, क्यों सीधे बल्ले से बाबर खेल रहा है, क्यों बाबर आजम फ्रंट फुट के ऊपर आ रहा है जो क्लियर